आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारियों व ग्रामीणों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मनाई पुण्यतिथि। बांदा जिले के ब्लॉक तिंदवारी ग्राम पंचायत मुगसू में करीब 2 सैकड़ा लोगों ने राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारियों ने मनाया। प्रदेश अध्यक्ष जनता दल श्रमिक प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश रविंद्र कुमार भारती ने बताया कि राम मनोहर लोहिया सच्चे समाजवादी सोच के नेता थे। आज सभी को ऐसे महापुरुष के विचारों से चलने की जरूरत है। देखें खास रिपोर्ट। अजय जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार भारती जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड जी। आज आपका किस तरह का कार्यक्रम था जो ग्राम पंचायत मुंगुस में? जी, हमारा एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के आधार पर हम प्रत्येक तहसीलों में, ब्लॉकों में, मतलब कहने का एक जनता की आवाज उठा करके एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारा 13 तारीख को कार्यक्रम लगा है तेंदुआरी में, जहाँ पे तेंदुआरी में हजारों की तादाद में भीड़ आने वाली है। आज किस तरह का? उसी सापेक्ष में हम चलते चलते, हम भ्रमण दौरान पर ही हैं, मगर हमें याद आया कि समाजवाद के पुरोधा, हमारे जो समाजवाद की इबारत बुनियाद गढ़ी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि को हम सूचंद अवस्थी जी के आवास पर सैकड़ों लोगों के साथ उनकी पुण्यतिथि मनाई, उन पर माल्यार्पण अर्पित किए मुंगुस गांव में। और इसके बाद सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। शालिनी सिंह पटेल ने यहां पर बेहतर स्पीच दे करके सैकड़ों महिलाओं का, पुरुषों का दिल जीता है और सभी लोग आने के लिए, तिंदवारी के लिए लालायित हो गए हैं। और अब अगला पड़ाव हमारा, अब दूसरे गांव में हम चल करके उसी 13 तारीख का कार्यक्रम करने के लिए निकल रहे हैं। वॉचिंग दिस वीडियो, टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।